तो कैसे हो आप लोग? तो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रोसरी प्राइसेस क्या है और क्या क्या मिलता है, कितना महंगा है, कितना महंगा नहीं है और सब कुछ का प्राइसेस क्या क्या है यहाँ पे, और यूक्रेन से कितना डिफरेंस है वो बताऊँगा। सबसे पहले करना क्या है कि जो भी ग्रोसरी प्राइसेस होगा और यहाँ के लोकल करेंसी जो कि टेंगे कहलाता है, टेंगे में होगा, तो टेंगो को क्या किया जाएगा कि मैं टेंगे में बोलूँगा और उस प्राइस को INR में लिख दूंगा नीचे, तो आप फिर देख लेना कि कितने टेंगे का है और कितने INR का है। चलो ठीक है, ये है हम लोग से सबसे पास वाला सुपरमार्केट और एक अप्रैल नाम से भी सुपरमार्केट है, तो देखते हैं यहाँ पर ग्रोसरी प्राइसेस क्या है, कैसा है सब, वो देख के अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से ट्रॉली उठाए और ले कर चले आ जाओ। तो आज हमें जो जो लेना है वो बता रहा हूँ, सब कुछ मिलता है, इंडियन प्रोडक्ट्स। आ जा। तो ये है, तो ये हेड एंड शोल्डर 20-500 का है, सॉरी 20-50 का है। पैंटीन का शैम्पू 1590 का और शैम्पू, और ये मैं यूक्रेन में यूज करता था, ये शैम्पू अच्छा है। तो ये 1145 का है और ये इसका साइज़ कितना है, कितने ml का है, 200 ml का है। तो जो मेन खर्चा है टिशू पेपर का आएगा 905 का, और जो मेन ग्रोसरी है टूथपेस्ट ब्रश आएगा 280 का, कोलगेट का ब्रश, और पेस्ट आएगा 1445 टेंगे, और ये हर्बल पेस्ट है जो कि 1610 का आएगा, और ये कोलगेट भी मिलता है, चारकोल वाला भी मिलता है, सारा सब कुछ है। सेंसोडाइन का पेस्ट भी मिलता है, सेंसोडाइन का 1745 में है, और ओरल बी भी मिलता है, तो ये है 1075 का। तो जो जो इंडिया मिलता है वो ऑलमोस्ट मिल ही रहा है यहाँ पे, और यहाँ चिप्स भी मिलती है लेज की, और जो 460 का है और वो जो इंडिया में ग्रीन वाली मिलती है वो बहुत खोजा उसके बाद बावजूद भी नहीं मिला, और पास्ता सब कुछ, और मैगी मसाला भी मिलता है, मैगी मसाला का बता रहा हूँ प्राइसेस क्या क्या है। और यहाँ पे ऐसा चावल मिलता है रिस नाम से, और 810 टेंगे का है चावल जो कि 1 kg है, ये सॉरी 800 ग्राम का ये चावल है, और 700 ग्राम का चने की दाल जो कि 575 टेंगे का है, और ये भी है चना दाल ही है जो कि 800 ग्राम का है और 395 टेंगे का मिलता है, और ऑलमोस्ट सब कुछ सब दाल ही है और सब प्रकार का दाल भी है यहाँ पे। जो सबसे सस्ता दाल है ये 1 kg का है जो कि 635 का मिल रहा है, और ये 835 का ये दाल है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, अच्छा है ये दाल। और लॉन्ग ग्रेन राइस भी मिल रहा है जो कि 940 टेंगे का है, और जहाँ कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा महंगा है जो कि वो तो फ्लैट पे या हॉस्टल में फ्री में ही मिलता है, लेकिन वाटर बॉटल यहाँ पे 415 टेंगे का है, और ये फ्रूट जूस 2 लीटर का कितने का है? पीको कितने का है? 1000 ग्रेवियन का है, सॉरी टेंगे का है, ग्रेवियन तो यूक्रेन में चलता था, आई एम सो सॉरी गाइस, माफ़ कर देना। तो चलो जूस का प्राइस देख लो, ये ग्रीन एप्पल जूस जो है जो कि 715 टेंगे का मिल रहा है, और ये जूस 715 का मिल रहा है, अफोर्डेबल है, कुछ ज़्यादा ऐसा महंगा नहीं है कि जो आप अफोर्ड ना कर पाए, सब अफोर्डेबल ही है, कुछ ज़्यादा भी ऐसा प्राइस नहीं है कि आसमान छू रहा है प्राइस, यू कैन सर्वाइव हियर, नो यू कांट सर्वाइव, यू कैन लिव योर लाइफ, अमीरों की तरह रह सकते हो यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चिकन का प्राइस, और चलो यहाँ पे आपको दूध दिखा दूँ, यहाँ दूध आता है नाम मोलोको के नाम से, जो कि ये 3% फैट के साथ हम ये दूध, ये 665 का है, और ये है
कितने लीटर का बता रहा हूँ आपको, ये एक लीटर का दूध है जो कि पैकेट वाला दूध सस्ता आता है और ये जो बोतल वाला टाइप जो दूध रहता है वो महंगा आता है। जो हम लोग जो दूध यूज करते हैं वो आपको दिखा दूंगा अभी कैसा दूध है। ये पास्चराइज्ड मिल्क है जो कि इंडिया में अमूल का दूध मिलता है और यहाँ का दूध ऐसा नहीं है कि गंदा होता, बहुत ज़्यादा अच्छा दूध होता है। और ये 1010 सब प्रकार का दूध है यहाँ पे, हर एक प्राइस रेंज में दूध है। देखो ये हाई फैट, ये हाई फैट मिल्क है, ये 3% का, 2% का, 1.5% का, जिसको 2.5% का, 6% का, जिसको जिस प्रकार का दूध चाहिए, जो फैट परसेंटेज चाहिए वो उस प्रकार का दूध मिल जाएगा। और कैफीड दही तो अभी मिला नहीं है, स्मिताना हम लोग यूक्रेन में यूज करते थे, यहाँ स्मिताना टाइप कुछ है नहीं। आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या क्या है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए आपको सारा अवेलेबल है, जैसे कि ये प्याज 555 टेंगे का 1 kg जो कि 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। और ये 1505 टेंगे पर kg लहसुन। और ये बीट रूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 320 टेंगे पर kg। और मशरूम, कॉलीफ्लावर, लाल मिर्च और कैबेज, मशरूम, कैप्सिकम। और यूक्रेन से ज़्यादा महंगा है यहाँ एप्पल, और पाइनएप्पल भी मिल रहा है, कीवी भी, कीवी सस्ता है यहाँ पे 825 टेंगे का, वहाँ पे 300 ग्रेवियन का आसपास, 45 या 90 ग्रेवियन का, मेरे को याद नहीं अभी इतने ग्रेवियन का आता था। यहाँ पे मैगी मसाला भी सारा मिल रहा है, आप देख लें मैगी मसाला, जो कि ऑब्वियसली यहाँ के लोकल्स के लिए होगा, उसी के टाइप का मैगी मसाला है। जो कि अपने को भी जिंजर मसाला, गार्लिक मसाला वो सब भी मिल जाता है अपने को, लेकिन इंडियन मसाला तो यहाँ मिलता नहीं है। अलमाटी में सुनने में आया और अस्थाना में इंडियन मसाला मिलता है, तो बेटर होगा कि आप इंडिया से ही मसाला लेके आएं। तो यहाँ चॉकलेट भी केजी के हिसाब से मिलता है, 1 kg जो अच्छा चॉकलेट है वो 1 kg 4850 टंगे का मिल रहा है। तो ये चॉकलेट गिरा हुआ था, इसको उठा के रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप केजी से मेजर कर ले और अपना टैग चिपका दे। ये ओरियो बिस्किट मिल रहा है यहाँ पे जो कि 1180 टेंगे का है, 5+1। और आपको सबसे बेस्ट दिखा रहा हूँ जो डेली यूज में आता है वो दिखा रहा हूँ। तो ये अभी हम लोग दूध लिए हैं, तो दूध कितने का है, 490 टेंगे जो कि 900 ml कितने ml का, कितने का है ये, शायद 900 ml या 1 लीटर दूध है, 900 ml या 1 लीटर दूध है जो कि 490 टेंगे और 2% फैट के साथ है। और ये कैफीड है, ये कैफीड दही के टाइप से ही होता है जो कि 430 टेंगे का है। और ये दही टाइप से आपको स्मिताना चीज़, बेस्ट बात है यहाँ आपको पनीर भी मिल जाएगा जो कि 475 टेंगे का होगा। और इन सब का प्राइस लिस्ट मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे अभी। और ये मियोनीज अलग अलग टाइप का, और दूध अपने प्राइस का बटर है, आप वहाँ देख लेना। और यहाँ पे चिकन जो भी है फ्रेश मीट भी मिलता है जो कि लोकल मार्केट में मिलता है, और ये जो चिकन मिलता है ये फ्रोजन चिकन है। और इस पे वजन के साथ साथ जैसे चिकन ब्रेस्ट और चिकन लेग्स अलग अलग मिलता है। जैसे ये देखो चिकन, ये कौन सा है, ये चिकन ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट का है 1685 टेंगे, 1.150 ग्राम्स का, मतलब 1 kg 150 ग्राम का चिकन है। तभी मेरे को लेना है चिकन लेग्स लेना है और चिकन ब्रेस्ट लेना है। तो अभी का प्राइस देख ले आप कितना है, 161 टेंगे जो कि कितने केजी का है, 694 ग्राम्स का है। तो ये यूक्रेन से बहुत ही सस्ता है यहाँ पे पत्ता गोभी,
कुछ कुछ सस्ता है, कुछ कुछ महंगा है। जैसे कि प्याज देख लो आप, ये प्याज है 350 टेंगे का, जो कि 1.1 केजी का है। और चिकन के बारे में बता रहा था तो अभी चिकन दिखा रहा हूँ आपको, चिकन कितने का, क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं चल पा रहा भाई ये चिकन लेग्स कौन सा है, चिकन ब्रेस्ट कौन सा है, क्योंकि ये हाईली पैक्ड है। अभी देख के बताओ, यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड जो कि 215 टेंगे का है, सही है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी ब्रेड है, और जो कि हम लोग बेसिकली यही यूज़ करते हैं, इसका 215 टेंगे का है। तो चलो देखते हैं एग्स का प्राइस क्या है। एग्स का प्राइस वैसे तो कम नहीं है, तो देखो हट जा। तो ये इसमें 10 अंडे हैं जो कि 495 टेंगे का, ये भी ठीक है, लेकिन हम लोग ये यूज़ करते हैं जो कि ये अंडे यूज़ करते हैं किधर का, ये एग्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि 600 टेंगे में 10 एग्स आता है। तो ये हम लोग एक ले लिए, और दो और ले लेते हैं, एक और ले ही लेते हैं। तो भाई डेली थोड़ी आना है, दो बरे यहाँ पे अब बिलिंग करा रहे हैं हम। तो ये हम लोग का सामान है, अभी कार्ड से पेमेंट करेंगे। हम लोग यही प्रिफर करते हैं कार्ड से पेमेंट करें, बिकॉज कि कैश का झंझट ख़त्म, और कैश निकालने पे जो भी टैक्स लगता है उसका भी झंझट ख़त्म। तो अभी राना अपने देव भाई का अपना क्रेडिट कार्ड। अरे भाई ये देखो, ये कार्ड है यहाँ का कास्पी है, जो कि यहाँ पे मिलता है, ये राना के नाम से बना हुआ है। और ये है इंडियन SBI क्रेडिट कार्ड, जो कि जो भी गूगल का रेट है उस गूगल के रेट पे से कट जाता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना कट रहा है, कैसे कैसे कट रहा है, और बैंक का स्टेटमेंट भी दिखाऊँगा, और आप उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना, ठीक है गाइस। और यहाँ पे सिम भी मिलता है, देखो ये सिम, तो सिम आप यहाँ से ख़रीद लो, पासपोर्ट दो, एक्टिवेट हो जाएगा, सही है जो भी है। और यूक्रेन में तो विदाउट पासपोर्ट एंड कोई भी विदाउट ID मिल जाता था सिम। और यहाँ देखो भाई लोग, मानसी को बिल्ली मिली है, सी लव बिल्लियाँ, और हम लोग अच्छा सही है। और ये हम लोग इतना ग्रोसरी लिया है, तो उसका प्राइस आया है 8,944 टेंगे, जो कि है। तो चलो हम लोग का टैक्सी आ गया है, टैक्सी पे चलते हैं हम लोग।